नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदेश इंस्टीट्यूट में और मैं हूं सर्वे श्रीवास्तव। और आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि मैट्रिक टेस्ट के अंतर्गत आने वाला यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है, जो कि इस तरह के क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। सो आज के वीडियो में जो है मैं आपको 10 क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस में कराने वाला हूं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पर आप पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बगल में बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की लगातार और इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिलता रहे। सो चलिए हम देखते हैं मैट्रिक टेस्ट के बारे में। मैट्रिक टेस्ट में 10 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि बार बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा तभी जो है आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस का प्रारूप क्या होता है और उसको कैसे उसको सॉल्व करते हैं, तभी आप उसको समझ पाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर लिखता हूँ, तो ये देखेंगे ये क्वेश्चन है पहला। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे इस टाइप्स के जो फिगर आपके दिए गए हैं, इस फिगर में क्या होगा कि इसमें एक संख्या जो है यहाँ पर लुप्त है, एक संख्या यहाँ से हटा दिया गया है और आपको करने क्या है, इसमें इसकी संख्या आपको यहाँ पर बतानी है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं नंबर को आपको देखना पड़ेगा कि इन नंबरों में आपस में इनका संबंध क्या है, इन नंबरों में इनका क्या संबंध है। जब तक इन नंबर का हम इसका रिलेशन नहीं पता कर लेंगे तब तक जो है इसका हम जो है आंसर फाइंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे 10 और 4 यहाँ पर है, ठीक है। यदि हम 10 में से 4 माइनस करते हैं तो 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे 18 में से, ये 18 है, 18 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 14 आएगा, यह भी मैच कर रहा है। इसके बाद 18 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 8 होगा, देख लिए। तो यही फॉर्मेट जो होगा इस पर अप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी कि 14 में से 8 जाएगा तो 6 होगा और 22 में से 8 जाएगा तो 14 आएगा और 22 में से 14 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 8 आएगा, मैचिंग सही है। इसके बाद फिर आपका चलेंगे अब वही फॉर्मेट में यहाँ पर, ठीक है। 11 में से 5 गया, 6 बचा, सही है। 15 में से 11 जाएगा, 4, अब 4 बचेगा, यह भी सही है। 15 में से 5 जाएगा कितना, 10, इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर, 10 होगा, देख लिए। यानी कि ये जो क्वेश्चन जो लिखा गया है इस क्वेश्चन में इस तरह के फिगर जो होंगे आपके एग्जाम्स में दिए जाएंगे, एक संख्या उसमें से गायब रहेगी, वो संख्या आपको फाइंड करना होगा। फाइंड कब कर पाएंगे, जब आप इन सभी नंबरों का रिलेशन एक दूसरे से फाइंड करना पड़ेगा आपको कि उसका वो किस मेथड से आपको वहाँ पर जो है ये नंबर लिखा गया है, नंबर मल्टीप्लाई करके लिखा गया है कि डिवाइड करके लिखा गया है कि जैसे किसी नंबर का स्क्वायर है, हर एंगल से इसको देखना पड़ेगा तब जाके आपको वहाँ पर जो है वो नंबर फाइंड हो पाएगा, ठीक है। ये देखेंगे ये है दूसरा क्वेश्चन। इस दूसरे क्वेश्चन में आप देखेंगे कि ये फिगर दिया गया है, ठीक है, ये फिगर दिया गया है और इस फिगर में यहाँ पर ऊपर जो है नंबर, एक नंबर नहीं है इसमें जो है 12, 27 और इसके बाद यहाँ पर एक नंबर जो है नहीं है, उसी नंबर को आपको यहाँ पर फाइंड करना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये नंबर यहाँ पर 2 है, 10 है, 3 है, 5 लिखा गया है, फिर 1 है, फिर 12 है, 9 है, 4 है, ऐसे करके कई नंबर्स आपको दिए गए हैं, तो आपको इसमें देखने क्या है। चलिए इसकी हम मैचिंग कराते हैं इसमें आपका, ठीक है। इसमें देखेंगे कि 10 में यदि हम 5 का डिवाइड लगा देंगे, ठीक है, यानी कि 10 में यानी कि 5 × 10, ठीक है, यानी कितनी बार गया, 2 बार गया। तो ये जो नंबर को हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं, 2
थ्री और टू आपका, यानी कि पाँच फाइव टू जा जो है टेन हो गया, दो बार गया तो दो मतलब कि टू, टू इंटू थ्री और ये दो आपका, ठीक है, दो त्याई छः, छः दुना के बारह, मैचिंग सही है, ठीक है। अब इसके बाद उसी तरीके से यहाँ पर चार त्याई बारह कितनी बार गया, तीन बार गया, तो चलिए मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, थ्री इंटू वन इंटू वन इंटू नाइन, तो थ्री वन जा थ्री और थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ भी तीन पाँचे पंद्रह, पाँच बार गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे फाइव इंटू थ्री इंटू फाइव, पाँच तीन पंद्रह और पंद्रह पाँचे पचहत्तर, ठीक है, ये इसका जो है आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, यहाँ पे कितना इसका आंसर आ रहा है आपका 75 जो है, ठीक है। और यह क्वेश्चन जो है एक आकृति में दिया गया है, इसमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उस नंबर में आपका ये जो नंबर होगा, ये नंबर यहाँ पर आपका लुप्त है। अब आपको देखना क्या होगा कि यह नंबर जो है किस फॉर्मेट में लिखा गया है यह नंबर, ताकि जो है उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर नंबर आ जाए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, देखिए फाइव थ्री कितना होगा, एट हो जाएगा, ठीक है, और एट फोर कितना हो जाएगा, ट्वेल्व हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ट्वेल्व, इसका मतलब यहाँ बारह आ रहा आएगा, और ट्वेल्व और वन कितना हो जाएगा, थर्टीन हो जाएगा, देख लीजिए, वेरी सिंपल आपका, यानी कि ये जो फॉर्मेट जो दिया गया था, ठीक है, पाँच तीन आठ, आठ चार बारह, अब बारह और एक तेरह, ठीक है, आ गया, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को जो है बहुत ही आसानी से आप उसको लगाना है, बस केवल आपको समझना है। देखेंगे ये क्वेश्चन होगा, यह क्वेश्चन एक फिगर में आपको दिया गया है, जिसमें आपके कुछ नंबर्स आपको दिए गए हैं, चलिए इसको देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर देखेंगे कि 915, ठीक है, 915 और नीचे क्या दिया है, 364, चलिए माइनस कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से 5 में से 4 जाएगा 1, ठीक है, ये 11 होगा, 11 में से 6 जाएगा जो है आपका 5, और यहाँ पर होगा 8, 8 में से 3 जाएगा 5, 531 आ गया, ठीक है, 531 आ गया। उसी तरीके से अब इसको माइनस करके देख लेते हैं, 789, यानी बड़े में से छोटे को घटाना है आपको, ठीक है, 789 में 543 को क्या करना है आपको, माइनस कर लेते हैं, यानी कि इस नंबर में से इस नंबर को माइनस करते हैं, देखते हैं 246 आ रहा है, ठीक है, तो 9 में से 3 जाएगा आपका 6 हो जाएगा, 8 में से 4 जाएगा 4 हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा 246 आपका, ठीक है, देखिए आ रहा है, ठीक है। अब उसी तरह के इसको जो है इसका नंबर आपको यहाँ पर निकालना है, तो क्या करेंगे, बड़े में से यानी कि 863 में 241 माइनस कर देंगे, 3 में से 1 जाएगा 2, 6 में से 4 जाएगा 2, और इसके बाद 8 में से 2 जाएगा आपका 6, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया आपका जो है 622 इसका आंसर आएगा, ठीक है। देख रहे हैं कितने आप आसानी से इसको आप क्वेश्चंस को जो है आप लगा पा रहे हैं। अगले क्वेश्चन में ये फिगर है, इस फिगर में आपके यहाँ पर जो है यहाँ के नंबर को आपको निकालना है कि यहाँ पर नंबर क्या होगा। जैसे यहाँ पर 564 दिया है, 675 दिया है, 4810 दिया है, बीच में क्या दिया है, 1221, और यहाँ के नंबर आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसमें आपको नंबर हम देखते हैं कि कैसे इसको नंबर को आपको निकाला जाएगा। देखिए यहाँ सबसे पहले हम जो है मल्टीप्लाई करते हैं पहले नंबर को, ठीक है, सिक्स है, सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर, ठीक है, छः पाँच तीस और तीस चौके 120 होगा, ठीक है, 120, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 120 हो गया, अब इसके बाद इसको भी एक बार देख लेते हैं, फिर यहाँ पर
7 6 5, ठीक है, 6 42 और 42 5 5 दुना 10 और 5 20 21 210, सही, ठीक है। अब आपको करने गया है कि आप इन इन नंबरों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और मल्टीप्लाई करके जो लास्ट में 0 आ रहा है उसको क्या करना है, हटा देना है, तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप इन बाहर बाहर के नंबर को आपने मल्टीप्लाई किया, आ गया 210, ठीक है, 0 हटा दीजिए, क्या आएगा, 21 आएगा। उसी तरीके से यहाँ पर 4 × 8 × 10, तो 10 8 जा 80 और 80 चौके आपका 32 आपका, तो इसमें भी 0 हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को जो है बहुत ही आसानी से आप उसको लगा पाएंगे। क्वेश्चन आपके सामने जो होगा, यहाँ पर जो है क्या करना है कि इस बीच वाले नंबर को आपको निकालना है कि यहाँ का जो है नंबर क्या आएगा, जैसे यहाँ पर 39 51 और यहाँ का जो है नंबर आपका यहाँ से हिडन कर दिया गया है, वहाँ से आपका नंबर हटा दिया गया है। अब आपको करना क्या होगा, कैसे इसको किस कौन से नंबर की फॉर्मेट में आपका ये लिखा गया है ताकि जो है वहाँ पर वो नंबर्स को निकाल पाएँ आप, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या हम करते हैं, देखिए यहाँ पर 3 × 3 एक ब्रैकेट में और प्लस 5 × 6 एक ब्रैकेट में, तो ये 9 और प्लस 30 39 हो गया। यानी कि इन इन नंबर को क्या करना है, गुणा करना है, इन इन नंबर को गुणा करके क्या करना है, जोड़ देना है। समझ आ रही बात हमारी, यानी कि इस नंबर को मैंने गुणा कर दिया, इसको मैंने गुणा किया है, इसके बाद इसको मैंने ऐड कर दिया आपका। उसी तरीके से यहाँ 16 हो जाएगा ना, 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा 35, ठीक है। अब इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 51 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए गुणा करते हैं, 4 3 12 और 5 25 हो जाएगा आपका, तो 5 2 7 2 1 3 इसका कितना आंसर आ जाएगा, 37 आ जाएगा, 37 आ जाएगा जो है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आप आसानी से इसको आप लगा लेंगे, ठीक है। और इस फिगर में बीच का नंबर आपका यहाँ पर नहीं है, ये बीच का नंबर आपको क्या करना है, आपको इसको निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखिए 8 5 40 कितनी बढ़ गया, 5 बढ़ गया। 12 5 60 कितनी बढ़ गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये दोनों नंबर को यदि डिवाइड किया जा रहा है तो उतनी बार ही जा रहा है, यानी 5 बार भी यही जा रहा है, 5 बार यह भी जा रहा है, अर्थात यहाँ पर नंबर क्या आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, ठीक है। तो आई होप आपने देखा कि इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपके रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम्स में, एसएससी बैंक रेलवे में या अदरवाइज कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में जो है इस तरह के क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट किए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को जो है ये सब सारे जो है टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। और यदि कोई कन्फ्यूजन, यदि कोई डाउट यदि होता है या कोई क्वेश्चन यदि कोई आप पूछना चाहते हैं आप हमसे, तो आप कमेंट सेक्शन में आप उसको टाइप कर सकते हैं, उसका आंसर जो है आपको बता दिया जाएगा। चलिए किसी और दूसरे वीडियो में आप सभी से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।